हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ऐप इस चैनल में जिसका नाम है ऐप टेकेशन। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए ताकि उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें भी हम आपको Mi 12 और Mi 13 से रिलेटेड अपडेट देते रहेंगे और आईफोन से रिलेटेड अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दो, वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको Mi 12 और Mi 13 से रिलेटेड सारी जानकारी मिल सके। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि Redmi Note 8 Pro में जो बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम आ रही है उसे कैसे सॉल्व किया जाए। जी हाँ, ये सही बता रहा हूँ मैं कि बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमने देखना है कि बैटरी एंड परफॉर्मेंस का ऑप्शन कहाँ पर है, उस पर क्लिक कर देना है बैटरी परफॉर्मेंस के ऑप्शन पर। और यहाँ देख सकते हैं आपके बैटरी का सारा बायोडाटा आ जाएगा। तो उस पर जहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज, उस पर क्लिक करना है हमें। ऑप्टिमाइज करने के बाद ये देख सकते हैं बैटरी स्कैनिंग शुरू कर देगा। बैटरी स्कैनिंग शुरू करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यू कैन फिक्स बैटरी इशू ना हो, तो अभी फिक्स करने को बता रहा है हमारे पास। देख सकते हैं क्या क्या बता रहा है फिक्स करने के लिए। इसमें लिखा है एडजस्ट स्क्रीन ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा ये। उसके बाद लिखा है क्लोज ऐप कंज्यूमिंग एक्सेसिव पावर, ये भी क्लिक हो गया है। सेव पावर व्हेन डिवाइस इज लॉक, स्क्रीन ब्राइटनेस, टर्न ऑफ GPS, टर्न ऑफ हैप्टिक फीडबैक, डोंट वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, लॉक डिवाइस आफ्टर 15 मिनट ऑफ इनएक्टिविटी, टर्न ऑफ ब्लूटूथ, प्रिवेंट ऐप फ्रॉम ओपनिंग ऑटोमेटिकली, प्रिवेंट ऐप फ्रॉम ओपनिंग अदर ऐप्स। तो यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ऐड 2 मिनट, इस पर क्लिक करते ही ये सारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी और आपकी बैटरी सेव मोड पे होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसने सारे सब कुछ क्लियर कर दिया है। और अगर आप और भी ज़्यादा बैटरी सेव करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि आप पावर सेविंग मोड है उसको क्लिक कर सकते हैं। उसको क्लिक करने के बाद आपकी बैटरी सेविंग मोड पर चली जाएगी। और यहाँ पर पहले देख सकते हैं, पहले ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 24 आवर्स 17 मिनट लिखा हुआ है। और बैटरी सेव ऑन करने के बाद तो देख सकते हैं यहाँ पर 37 आवर्स 22 मिनट रिमेनिंग बता रहा है। तो ये बहुत अच्छा फीचर लगा है जिसमें ऐड किया गया है Redmi Note 8 में। उसके बाद अगर आप गेम गुम खेलना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आप अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड को ऑन कर सकते हैं। ऑन करके दिखा देता हूँ मैं, ये देख सकते परमिशन मांग रहा ऑन करने की। तो देख सकते हैं अल्ट्रा बैटरी पावर सेविंग मोड ऑन होना शुरू हो गया है हमारा। ऑन होने के बाद मैं दिखाता हूँ कैसा इंटरफेस आएगा इसका। तो ये देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आना शुरू हो गया। तो देख सकते हैं ओपन होने के बाद मैं कोई एक ऐप खोल के दिखाता हूँ आपको। खोलने के बाद देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आ रहा है। और अब हम मैं इसे रिसेंट ऐप में करूँगा तो रिसेंट ऐप में नहीं आएगा, इससे ये एप्लीकेशन अपने आप ही क्लोज हो गया है। क्लोज होने के बाद ये रिसेंट ऐप में नहीं आएगा। तो अगर गेम गुम खेलना है तो आपको यहाँ से अपनी गेम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आके ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं बहुत सारे ऐप आ गए हैं। यहाँ से अपनी गेम ऐड करके आप इसी मोड में खेल सकते हैं जिससे कि आपकी बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा सेव होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं अपना बैटरी ये अल्ट्रा सेविंग मोड हटा देता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत तो है नहीं है गेम गुम खेलने की। तो अल्ट्रा बैटरी सेव मोड ऑफ करने के बाद बस यही है। बाकी आप फ़ोन जो हमारा कंट्रोल सेंटर है यहाँ पे आप अपना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वाईफाई को अपना ऑफ कर सकते हैं। ऑफ़ करने के बाद ये बैटरी कम खाना शुरू कर देगा, मतलब कम कंज्यूमिंग शुरू कर देगा, बैटरी सेव होनी शुरू हो जाएगी। अपना इंटरनेट भी आप जब नहीं यूज़ करते तो उसे ही बंद कर लेना, उसके बाद भी आपकी बैटरी सेव होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अपना लिखा हुआ है लोकेशन, लोकेशन को भी ऑन मत करना जल्दी। उसके बाद वाइब्रेशन मोड है, जो वाइब्रेशन मोड को भी ऑन जल्दी मत करना, ऑटो ब्राइटनेस पे ही रहने देना जिससे कि आपकी बैटरी सेव होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और ये मतलब ये सारे तरीके अपनाने के बाद आपकी बैटरी नहीं सेव होती तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।